अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आपका नाम क्या है? मिसेस अजमल। अच्छा, आप यहाँ घूमने फिरते आई हैं फैमिली के साथ? बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अपने आप को पुरसकून रखने के लिए आए हैं। जितनी महंगाई चल रही है, जो हमारी हुकूमत कर रही है, उसके ज़रिए तो इंसान कहता है कहीं यहाँ पर भी आना बड़ा मुश्किल है। जैसे पेट्रोल की कीमतें बड़ी हाई हुई है। अच्छा, स्टार्ट लेते ही बात करते ही आपने महंगाई का नाम लिया है, तो बात यही है कि महंगाई ही सबसे बड़ा इशू वही है। एक हम लोग नहीं, हमारे तमाम तबका और हमारे पाकिस्तान इसकी लपेट में आया हुआ है। अच्छा मैम, महंगाई की आपने नाम लिया, तो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई जो है वो पाकिस्तान माशी, सियासी और आइनी तौर पर बिल्कुल ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है? देखिए, मुश्किल बच्चों की स्टडी से ले कर ग्रोसरी तक तमाम मुश्किल ही हैं, तमाम मुश्किल हैं, जिससे कुछ भी कहीं पे कल पे कुछ भी हो सकता है, किसी बंदे को हार्ट अटैक भी हो सकता है। इतनी ज़्यादा इन लोगों ने हमें इतना तंग कर चुके हैं हुकूमत, तो जिसमें इंसान कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई वही नहीं कि हम बच्चों से मजबूर होकर उनको स्कूलों से उठा दें। उनकी जाहिर सी बात है, बच्चों ने अब स्कूल जाना है, पेट्रोल की हाई कीमत है, तो उसमें यह है कि बच्चों के पिक एंड ड्रॉप का इशू है, पर्सनल गाड़ियों का इशू हमें, तो इस वजह से हमें हर लिहाज से बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो मैं नहीं कह रही, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर फर्द यही कहेगा। तो ठीक है, हमारे इमरान खान थे, इतना प्रॉब्लम थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने आप हैं। अच्छा मैम, घर पे आपको ज़रूरियात की 100 चीज़ें ज़रूरत होती हैं, आप ख़ुद बाहर जाती हैं ग्रॉसरी में हर एक चीज़ में, तो पहले एक चीज़ आप अगर मिसाल के तौर पे 10 रुपए की ले रहे थे, अब आपको 30 रुपए में मिल रही है। 30 नहीं, 50 रुपए में मिल रही है। 50 रुपए में मिल रेट से मिल रही है, अब ये चीज़ें सोने के रेट से मिल रही हैं हमें। ठीक है, तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं कि कैसे ये कंट्रोल हो सकती है, या क्या करना चाहिए, जो इदारे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, उनको क्या करना चाहिए? देखें, हुकूमत को तो जो भी करना वो खुद अपने तरीके से करेगी जो करेगी। लेकिन देखें, हुकूमत ने जो भी करना, कमाना हमने खुद है, खाना हमने खुद है, ना हुकूमत ने हमें पहले दिया ना अब दे रही है। हाँ, ये ज़रूर है, जब ये थोड़ा ऑल वर्ल्ड ऑल ग्राउंड जो है थोड़ी सी महंगाई कमी थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पर्सन एक फर्द भी कोई कुछ नहीं कर सकता। मैम, ऐसा है कि अभी इस दौर में आप क्या समझती हैं कि कौन सी सियासी जमात इस महंगाई को कंट्रोल कर सकती है या इस सारी सूरत हाल पे कंट्रोल कर सकती है? ऐसे कोई भी नहीं ऐसी सियासी मजा, क्योंकि हालात इस पोजीशन में, इस स्टेज पे खड़े हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर पीटीआई आती है वो भी बेचारी कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं ये सब कुछ, तो इससे कंट्रोल करना तो डेफिनेटली मुश्किल है। आपके कहने का मतलब है कि ये सारा ऐसे ही अब चलता रहेगा? ऐसे चलेगा, देखें जो फिक्स हो गया है वो फिक्स ही रहेगा, कोई और भी हुकूमत आ जाए वो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि उससे कम नहीं होना, एक चीज़ फिक्स है वो फिक्स रहेगी। अच्छा मैम, ये अब हर सियासी जमात, हर बंदा आप महंगाई से कहते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द अज जल्द इलेक्शंस होने चाहिए, और आप क्या समझती हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। अगर इमरान खान हमारा ग्रेट लीडर, अगर वो आ जाता है तो फिर भी हमें बहुत है। देखिए, उसने कुछ ना किया हो, लेकिन वो उसमें हुस्ना पे चलने वाला बंदा, उसने कुछ ना कुछ महंगाई में कमी थी, लेकिन यहाँ आके यहाँ पे इन लोगों ने चोर बजा रही है। मतलब असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, फौरी इलेक्शन होने चाहिए। मैम, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती हैं? पीटीआई को सपोर्ट करती हैं। पीटीआई को सपोर्ट करने के साथ साथ आपने कहा कोई पार्टी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। देखिए, पीटीआई के हाथों से छीनी गई ये चीज़, जो चीज़ छीनी जाए ना उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए। अच्छा मैम, अभी ये रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं, बाय इलेक्शंस हुए हैं, इसके जो डिसीजंस हुए हैं, फैसले आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका पर्सनल मुझे तो कोई इतना खास नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पीटीआई की तरफ से, देखिए वो राइट पे थे तो आगे, अब अंदर जो फैसले, मैं उस पर कोई राय मैं तो नहीं दे सकती। हम लोग सिंपली एक हाउस वाइफ हैं, इसलिए मैं उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं दे सकती। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं कि घर के निज़ाम चला रही हैं, बच्चों को, जैसे आपने कहा, बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं, इतनी मतलब इनकम हमारी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, तो इन सारी चीज़ों को आपने कहा कि कोई भी ऐसी पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही कि जो इसको कंट्रोल कर सके, और ये फिक्स है और फिक्स हो चुका है, तो मतलब इस कोई भी पार्टी आएगी, ये जो चीज़ फिक्स है ना, ये आगे पीछे नहीं होगी। चलें मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? ठीक है। इतने क्यों आए थे हो? बस ऐसे ही आए थे, फिरने टूरने आए। फिरने टूरने आए थे हो? अच्छा, ते कितों आए हो? नगक्कियों। नगक्की बिचों आए हो? ते किसे लगे इतने ना मौसम आई, ते बारिश भी आने लिए सोना मौसम है। अच्छा, कुछ खाता पीता है? नहीं खाते। के खाते? रोटी खाती है, चावल। महंगे लगे ने? लगे महंगे। कितने पहले कभी आए हो इतने? आधे महीने।
पहले को महंगे है ज्यादा ज्यादा महंगे ते ए ते महंगाई फिर ज्यादा हो गई है ना ते की आखना चाहते हो तुसी इथे सारे के महंगाई दे बारे में की आखना चाहते हो कि महंगाई ज्यादा हो गई है कट हो गई है तुसा के मसले होंदे असा हुन मसले ए या बच्चे और आने तो तंग करदे न ते चीज असी आनत फिर महंगी देने तभी फिर तां ना लैणे आ ते ए तुसा नाल बच्ची आई दी बच्ची है ते तंग ते बच्चे करदे ना जाहिर है महंगाई है तुसी चीजा किन के नहीं दे सकदे हो ते के आखना चाहंदे हो ये हुकूमतां जिहड़ियां महंगाई करदियां ज्यादा कर रही हैं तुसी ना के पैगाम देंदे हो के पैगाम कोई ना देने ना पैगाम कुछ भी नहीं आते हो महंगाई पे ही होवे महंगाई हो गई और क्या महंगाई ना कीती थी और क्या कर रहा ना इना कोई ते आखो ना के महंगाई फिर तुसी कुछ आखसो ते काटो सी एवें ते ज्यादा होंदी रही सी महंगाई ते जे हुन फिर जिहड़ी आदत है ते पूरी करनी नहीं होणा सी क्या खाने ते करे दा निजाम तो सना सही ते ना चलदा हो सी महंगाई ना ना अच्छा ठीक है कोई ते आप आखो ने ना अपने बड़े बड़े जड़े उत्ते लोग बैठे दे ओ तुसी बोल सो लोग ते ता ही हो महंगाई कट कर सुनना एवे तो नहीं कर आज कल खाने नहीं है ने कोई छड़ी माई दे कोई नहीं अंकु घूमता घूमता खांदी हां हैं घूमत फिर हुन के कीता जुले बस हुन के करदा जुले होले ला सटे बंदा ना घूमता ला छेड़ो ने फिर कौन हुकूमतां चलासी के आसा कोई देने में फेर ही इंसान आ के आसा देने नहीं छेल उल्टी छेला देने तो कुछ भी नहीं मुश्किलात होंदी है ना तुसा हां चलो बस दुआ करो महंगाई काटो जले निजाम सेट हो जलो अब ये जी महंगाई काट कर सो ने फिर ही आनी है ना कोई तुसी जी गल आखना चाहो कि जिस दी वजह तुसा नी गल सुन के पता तुसा नी गल सुन के ना जी सुन सुन नहीं सुन दे ना मतलब जड़ी हुकूमत आंदी हो गल नहीं सुनदी नहीं सुनदी ना चलो फिर इलेक्शन करा के हुकूमत बदला सटने आए ठीक है ठीक है ठीक है चलो ठीक है फिर शुक्रिया शुक्रिया।